हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस शिक्षावाली। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 8 की मैथ्स की सीरीज का टॉपिक 11 मेंस्ट्रुएशन। 10 टॉपिक्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आप लोग मेरे वीडियोस को वॉच कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। आज का जो ये हमारा टॉपिक है वो मैं 2 पार्ट में कवर करूँगी। आज का हमारा पार्ट 1 शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा Part 1 of mensuration. Our next topic is mensuration, topic 11 of class 8. Mensuration सबसे पहले start करने से पहले आप ये पढ़ चुके हैं class 7 में 6 में। आपको इसका name clear होगा। What do you mean by mensuration? Mensuration is something related to measurement. What type of measurement? कोई भी हमारे पास शेप है, कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, किसी भी चीज की मेजरमेंट निकालना इन टर्म्स ऑफ पैरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम इज कॉल्ड मेंसुरेशन। तो अभी बिफोर आई स्टार्ट विद द क्लास 8 टॉपिक्स थोड़ा सा रिव्यू होगा हमारा क्लास 7 का, क्योंकि उस पे बेस भी न्यूमेरिक क्वेश्चंस आपके क्लास 8 में आएंगे। तो अभी क्लास 7 में आप क्या पढ़ के आए हैं? मेंसुरेशन इज समथिंग रिलेटेड टू मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ पैरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी शेप, कोई भी हमारे पास किसी भी जगह का, किसी भी एरिया, किसी भी चीज का हमें पैरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पैरीमीटर। पैरीमीटर, व्हाट इज द टर्म पैरीमीटर मींस? पैरीमीटर क्या है? सपोज कीजिए कोई भी आपके पास शेप है, रेक्टेंगल है, इसकी ये जो बाउंड्रीज हैं, इसकी लेंथ होती है, ये विड्थ होती है, ब्रेड्थ होती है, लेंथ होती है। इसकी जो ये बाउंड्रीज हैं, इसका सम इज पैरीमीटर। पैरीमीटर क्या है? बाउंड्री की लेंथ। कोई भी रैंडम शेप है हमारे पास, उसकी बाउंड्री की लेंथ, उसकी जो बाउंड्री है, कवरिंग है, उसकी लेंथ हमारी क्या होती है? पैरीमीटर। ओके, इज दिस क्लियर? पैरीमीटर। अब ये हमारे पास सपोज कीजिए डस्टर है, इसका पैरीमीटर क्या होगा? इसकी जो बाउंड्री है उसकी लेंथ हमारा पैरीमीटर है। ठीक है, इसकी जो जितनी भी डायमेंशंस हैं इसकी बाउंड्री की, उनको ऐड कर देंगे, हमें पैरीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज एरिया। व्हाट डू यू मीन बाय एरिया? एरिया क्या है? ये डस्टर है मेरा, इसको रखने के लिए मुझे कितनी जगह चाहिए? इसको रखने के लिए जो जगह चाहिए दैट इज कॉल्ड एरिया। मुझे इसको रखने के लिए सपोज कीजिए इतनी जगह चाहिए, सो दिस इज द एरिया। व्हाट इज दिस? एरिया। पैरीमीटर इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री एंड एरिया इज द पोर्शन रिक्वायर्ड टू ऑक्यूपाई द ऑब्जेक्ट या फिर शेप। इसको रखने की, डस्टर को रखने की जगह को कहते हैं एरिया। ये इतने एरिया में फिट हो जाएगा। ओके, तो पेरीमीटर एंड एरिया आई थिंक आर क्लियर। अब मैंने अभी आपको एरिया और पेरीमीटर बताया जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा था क्लास 7 में। नाउ कुछ हमारी शेप्स हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनका एरिया और पैरीमीटर क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। बेसिक शेप्स हैं जो आप पढ़ते चले आ रहे हैं। स्क्वायर, सबसे पहली हमारी शेप क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर में आपको पता है ऑल साइड्स आर इक्वल स्क्वायर में क्या होता है ऑल साइड्स आर इक्वल। एक तो हमारी शेप रहेगी सर्कल। स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स इक्वल होती है। पेरीमीटर क्या होता है सारी बाउंड्री, सारी साइड्स का सम। तो 1 2 3 4 ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 साइड, 4 इंटू साइड। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर? एरिया ऑफ स्क्वायर इज 1 साइड 2 साइड, साइड का स्क्वायर और एस स्क्वायर ठीक है। नाउ The next figure is rectangle. Rectangle में क्या होता है length. This is the length. These are equal and this is the breadth. Breadth are equal. तो ये L से denote करते हैं length को, इसको करते हैं B से denote breadth को ठीक है। Now rectangle का area क्या होता है? Rectangle का perimeter क्या होता है? सारी boundaries को add कर लीजिए L plus B प्लस एल प्लस बी क्या आ जाएगा 2L प्लस बी ठीक है। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड करेंगे, हमें एरिया पता चल जाएगा कि इतनी एरिया में ये ऑक्यूपाई हो जाएगा ठीक है। नाउ द नेक्स्ट शेप इज ट्राइंगल। ट्राइंगल का ये बेस होता है एंड दिस इज हाइट ठीक है। ट्राइंगल का बेस एंड हाइट। नाउ व्हाट इज द पेरीमीटर? ट्राइंगल की 3 साइड्स हो गई, सपोज कीजिए S1 S2 S3। पेरीमीटर क्या हो जाएगा तीनों साइड्स का सम S1 S2 S3। एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल? हाफ बेस इंटू height, half base into height ठीक है। now the next is parallelogram। parallelogram में क्या होता है ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है और ये इक्वल भी होती है ठीक है। साइड इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल। और पैरेलल साइड क्या होती है पैरेलल लाइंस जो कहीं पर इंटरसेक्ट ना करें। ये दोनों लाइन देखिए आप कितना भी इनको आगे बढ़ा ले एक्सटेंड कर ले कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कभी करेंगी नहीं करेंगी। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। नाउ पैरेललोग्राम का पेरीमीटर क्या होता है 2S प्लस बी ठीक है। 2S प्लस बी, बी ए हो गया एस ये हो गया एंड दिस इज एच ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द एरिया? एरिया विल बी बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम का पेरीमीटर इज 2S प्लस बी, एस इज साइड एंड बी इज बेस एंड एच इज हाइट। नाउ एरिया इज बेस इंटू हाइट। अब लास्ट शेप इज सर्कल। सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? ये तो सर्कल का सेंटर हुआ और ये क्या हुई रेडियस। सर्कल का पेरीमीटर मतलब 2πr। एरिया होता है πr², where pi is the constant value which is equal to 22/7 or 3.14. I hope this is clear. ये आप लोग 5th 6th 7th सब में पढ़ा है अपने बेसिक ये फिगर्स, उनके पैरामीटर्स एंड एरिया। अब इस पे बेस्ड हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी है दैट आई विल टेल यू। देखिए आपके पास क्वेश्चन कैसे आता है ये पेरीमीटर और एरिया पे बेस्ड। अभी तक तो आपने जो क्वेश्चन किया होगा आपको सिंपल कोई स्क्वायर प्लॉट या रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा होगा लेंथ दे रखी होगी, आपको ब्रेड दे रखी होगी, आपसे कहा जाएगा व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पार्क या व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फेंस, है ना, कवरिंग द पार्क। तो लेंथ अगर पूछी गई है फेंस की तो पेरीमीटर निकाल देंगे, एरिया पूछा है तो एरिया निकाल देंगे, है ना। अब कैसा क्वेश्चन आएगा आपका, वो देखिए, सपोज कीजिए आपका कोई रेक्टेंगुलर पार्क है, रेक्टेंगुलर पार्क है ए बी सी डी। अब इसके साइड में हमें पाथ बनाना है, रेक्टेंगुलर साइड के पार्क के साइड में कुछ भी डायमेंशन दी होगी कि हमें इतना पाथ बनाना है इस डायमेंशन का। तो अब आपको कहा गया कि अगर एक बैग ऑफ सीमेंट, वन बैग ऑफ सीमेंट कवर्स 5 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया, तो आपका पूरा पाथ बनाने में कितना बैग ऑफ सीमेंट लगेंगे। अब आप पहले क्या करेंगे, पहले आप इस बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी आपने निकाल लिया, सपोज कीजिए कुछ आ गया, फिर पी क्यू आर एस, अंदर वाले जो छोटा रेक्टेंगल है उसका हमने नेम कर दिया, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस निकाल लेंगे, आ गया। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए पाथ का एरिया। तो अगर हम पूरे ट्रायंगल में से, पूरे रेक्टेंगल में से इस रेक्टेंगल को माइनस कर दे तो क्या बचेगा, सिर्फ ये पाथ बचेगा। हमें पाथ का एरिया चाहिए, क्योंकि पाथ के लिए ही तो हम सीमेंट के बैग निकालेंगे, कितने सीमेंट के बैग लगेंगे, पाथ तो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है। सो एरिया ऑफ पाथ क्या होगा, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करना है, बड़े पार्क में जो बीच में, पार्क के बीच में जो छोटा सा एरिया बचा PQRS वो माइनस कर देंगे, हमें मिल जाएगा हमारा पार्क का एरिया। अब आपको दिया है कि एक बैग जो सीमेंट का है वो 5 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करता है, आपको नंबर ऑफ बैग्स बताने कितने लगेंगे, नंबर ऑफ बैग्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ पार्क, जो भी आपका पाथ का एरिया आया है और एरिया कवर्ड बाय वन बैग, एक बैग ने कितना एरिया कवर किया। ठीक है, ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको नंबर ऑफ बैग्स पता चल जाएंगे। एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आपकी टेक्स्ट बुक में मिलेंगे, आप अटेम्प्ट कीजिए, कोई भी क्वेरी आए आप मुझे कमेंट में कमेंट कीजिए। नाउ नेक्स्ट कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपसे कहा गया एक सर्कुलर फील्ड है, सर्कुलर रिंग है, यह सर्कुलर पार्क है, इसमें 2 फ्लावर बेड हैं, इसमें 2 फ्लावर बेड हैं। फ्लावर बेड का सपोज करो कुछ लेंथ ब्रेड दे रखी हो कि रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड है, ठीक है, आपको 2 फ्लावर बेड कंस्ट्रक्ट करवाने हैं, इसमें इस सर्कुलर पार्क में आपको 2 रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड कंस्ट्रक्ट करवाने हैं। अब आपसे पूछा जाए कि फ्लावर बेड कंस्ट्रक्ट होने के बाद कितना एरिया पार्क का बचेगा, रिमेनिंग एरिया पार्क का कितना वेकेंट बचेगा। रिमेनिंग एरिया कैसे निकालेंगे, पहले आप एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला है, πr² माइनस आप एक रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, सपोज कीजिए रेक्टेंगल है हमारा ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ PQRS, ठीक है, दोनों का एरिया माइनस कर देंगे तो आपको रिमेनिंग एरिया मिल जाएगा। एक इस टाइप के आपके सम्स आते हैं। आई होप दिस इज क्लियर, या आप अटेम्प्ट करिएगा, क्वेरी आएगी आई विल सॉल्व यू। अब मैंने अभी तक आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि इस कॉन्सेप्ट पे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ, फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है आप उससे पूछ लीजिएगा। नाउ आपको एक स्क्वायर प्लॉट दे रखा है, आपने उसमें सेंटर में आपने रेक्टेंगुलर अपना घर बना लिया, इस डायमेंशन का आपने घर बना लिया, ठीक है। यूनिट भी मार्क कर दे रही हूं मैं आपको, ठीक है। आपने इसमें अपना घर बना लिया है। अब आपको क्या करना है, इस घर के चारों तरफ गार्डन भी बनाना है। गार्डन का आपको रेट दे रखा है 55 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। अब आपको फाइंड आउट करना है कि आपकी कितनी कॉस्ट लगेगी गार्डन बनाने में। सबसे पहले अभी मैंने आपको फर्स्ट केस बताया था, वही करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालिए। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। साइड क्या दे रखी है आपको, 25। 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625। स्क्वायर में मैंने आपको बताया कैसे स्क्वायर निकालते हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में आप मेरी सीरीज में वॉच कर सकते हैं। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लीजिए। रेक्टेंगल का एरिया कैसे आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड। क्या हुआ, 20 इंटू 15। क्या आएगा आपका, 5×2 = 30, 300 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, मैंने फर्स्ट केस में क्या बताया था, आपको सिर्फ पार्क की कॉस्ट निकालनी है, तो क्या करेंगे, बड़े वाले में से, प्लॉट में से घर का एरिया माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ गार्डन, गार्डन कैसे निकालेंगे, स्क्वायर माइनस हाउस का एरिया। स्क्वायर का एरिया क्या आया, 65, हाउस का क्या आया, 300। क्या आया आपका, 325। अब आपको क्या निकालना है, यूनिट्स आप लिख लीजिएगा, आपको पता है इतना आप यूनिट्स में पढ़ चुके हैं। नाउ रेट आप कैसे निकालेंगे, मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रही हूं, आप सॉल्व कीजिएगा, प्रॉब्लम आएगी, आई एम देयर। रेट कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ कवरिंग द पार्क इज ₹55 पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर यहाँ पर कितना आ रहा है, 325, तो 325 × 55, 17875 रुपीज आपकी कॉस्ट लगेगी गार्डन को बनाने में, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेपेजियम। व्हाट इज ट्रेपेजियम? ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। अब अपोजिट साइड कौन कौन सी है, ये है और ये और ये है। कौन सा पेयर आपको पैरेलल दिख रहा है, पैरेलल जो साइड होती है वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब इसको देखिए आप एक्सटेंड करके, और इस वाली साइड को देखिए, कहीं ना कहीं ये एक्सटेंड कर जाएंगी, तो ये तो पैरेलल नहीं है, है ना। इस वाली को एक्सटेंड कीजिए, इसको कीजिए, कभी नहीं करेंगी इंटरसेक्ट। सो पैरेलल लाइन कौन सी है, दिस एंड दिस। नाउ ट्रेपेजियम में आपको क्या पढ़ना है, इसका एरिया। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, ये इसकी एक साइड हो गई ए, एक साइड हो गई बी, एंड एच इज द हाइट। हाफ A + B × H, दिस इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। अब आपको इस पे कैसे क्वेश्चन आएंगे, आपको इस पे क्वेश्चन आएगा, सपोज कीजिए आपकी कोई रेस्टोरेंट में आप गए, वहां पर टेबल है, टेबल का जो टॉप है वो ट्रेपेजियम की शेप का है, उसकी आपको पैरेलल साइड्स की लेंथ दे रखी है, और डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स दे रखा है आपको। क्या आप एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, ऑब्वियसली कर लेंगे। आप पुट कर दीजिए फॉर्मूले में, 1/2 ए क्या दे रखा है आपको, सॉरी लेंथ ऑफ साइड दे रखी है, तो बाय कैलकुलेटिंग दिस यू विल गेट द एरिया। मेंस्यूरेशन स्टूडेंट्स मैं दो पार्ट में कवर करूंगी। पार्ट वन में मैंने अभी आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको जो आप शेप्स पढ़ चुके थे उसका पैरीमीटर और एरिया बताया। किस किस का बताया? स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल एंड पैरेललोग्राम का। उस पे बेस मैंने आपको जो आप क्वेश्चन, अभी तक सिंपल क्वेश्चन आते थे कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया निकालना, उसका पैरीमीटर। अब जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो मैंने आपको पैटर्न बता दिया, आप अटेम्प्ट कीजिएगा। और मैंने आपको क्या बताया? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, उस पे कैसे आपको क्वेश्चंस आएंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट रिमेनिंग टॉपिक्स आई विल कवर इन पार्ट टू। सो कीप वॉचिंग माई सीरीज एंड थैंक यू व्यूअर्स। प्लीज लाइक, comment and subscribe my channel. Bye bye. Thank you for watching my video. Please like, comment and subscribe my channel and also press the bell icon. Bye bye.